हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हीगो ट्रेडिंग ऐप के बारे में। जो हीगो एक ट्रेडिंग ऐप है, तो इसमें हम ट्रेडिंग कैसे करें, इसका सही तरीका कैसा है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को ऑन करो। तो चलो दोस्तों, तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे प्ले स्टोर। जैसे प्ले स्टोर ओपन करेंगे, हमें सर्च करना है हीगो ट्रेड। देखिए मैंने सर्च किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस ऐप के बारे में। तो इस ऐप की जो रेटिंग जो है, देखिए दोस्तों 3.9 की रेटिंग है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर चुका है। तो चलो अभी हम इसे ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं अभी इसे करता हूँ ओपन। देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ अभी आ जाएगा। तो ये जो है डेमो अकाउंट है, इसमें हमें 10,000 रुपये मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें 10,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए हमें यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करना पड़ता है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है नीचे, पुट का और कॉल का। जैसे हम अगर हमारा ग्राफ अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ करेंगे, अगर हमारा ग्राफ ऊपर जाता है तो हम ऊपर की तरफ इसे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ अनुमान लगाना पड़ता है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे दो ऑप्शन है, पुट और कॉल का। तो अगर ग्राफ अगर नीचे आता है तो हमें पुट पे क्लिक करना है, अगर ग्राफ ऊपर जाता है तो हमें कॉल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पुट के ऊपर एक ऑप्शन है बाय इन वन क्लिक, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें, हम जैसे ही पुट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ट्रेडिंग जो है शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए कॉल के ऊपर एक ऑप्शन है इन्वेस्ट का, इसमें हम देखिए मिनिमम 20 रुपये और मैक्सिमम हम 3,000 से यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए मिनिमम 20, अभी मैं यहाँ पे 3,000 रुपये करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे मैक्सिमम 3,000। ये मेरा डेमो अकाउंट है, ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, ये जो हमें प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है 3,000 से। तो ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये मैं विनिंग करता हूँ, ये ट्रेडिंग में मैं विनिंग करता हूँ, तो मुझे 5,160 रुपये का यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एसेट में, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इतने जो ट्रेडिंग है हमें मिल जाते हैं। जैसे मार्केट इंडेक्स, उसके बाद बीयर मार्केट इंडेक्स और 100 इंडेक्स, ये जो तीन ट्रेडिंग अभी चल रहे हैं, उसके बाद जो बाकी के वो लॉक है। तो ये देखिए ये हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा मेल जो है, हमें यहाँ पे हमारा मेल डालना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मेरा मेल डाल दिया। उसके बाद हमें कोई भी पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे हम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हमें हमारा पासवर्ड कोई भी चूज़ करना पड़ता है। तो मैं अभी मेरा पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ। तोड़ होने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव पासवर्ड टू गूगल, तो हमें अगर हमारा पासवर्ड सेव रखना है तो हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो रियल अकाउंट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद देखिए राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है मीका, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन है डिपॉजिट का, तो डिपॉजिट के लिए आप देखिए मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 50,000 रुपये भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो पैसे डिपॉजिट करने के लिए देखिए यहाँ पे
पे यू सब पैसा और पे शार्प से आप यहाँ पे डिपॉजिट करते कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैसे कुछ डिपॉजिट करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आता है, जैसे हम कुछ पैसे विनिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम मिनिमम 100 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं और मैक्सिमम हम यहाँ पे 2000 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं विनिंग करने के बाद। और इसके बाद हम यहाँ पे बैंक अकाउंट में, मतलब हम सीधा हमारे जो विनिंग कैश है हम हमारे सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी। उसके बाद देखिए अगर हमारे मोबाइल मतलब हमारे ऐप का जो पासवर्ड है किसी को अगर मालूम होता है और कोई हमारे छेड़खानी करेगा तो हम हमारा जो पासवर्ड है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल है, जैसे कि आपको कोई उस हेल्प चाहिए इस ऐप की तो आप यहाँ पे ट्यूटोरियल पे जाके कुछ हेल्प ले सकते हो। ये देखिए और ट्यूटोरियल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत से कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कस्टमर सपोर्ट से ले सकते हो।